हाय गाइस, वेलकम बैक टू एएस स्टडी ग्रुप। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ जीएस जीके के बेस्ट क्वेश्चंस पार्ट 9। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे पिछले वीडियो जीएस जीके के 1 से लेकर 8 तक पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और रागा के प्रैक्टिस सेट आपके चैनल पर चालू पुनः कर दिए गए हैं तो वह भी देख सकते हैं। इंग्लिश की वीडियो भी आपको कई जात प्रोवाइड करा दिए गए हैं तो आप देख सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वहाँ से। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते समय पास में आएगा बेल आइकन बन के, इसे ऑल पर जाकर प्रेस कर लें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और आप सभी लोगों का शुक्रिया, इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, सभी लोगों का शुक्रिया। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे हमारा 343 है, यहाँ पर 343, ठीक है, ज़्यादा भी क्वेश्चन हो गए हैं। कर मैंने जो बोला था आपको कि 500 का संग्रह पूरा दूंगा तो आपको 500 क्वेश्चन दे दिए, ये काफ़ी है आपके लिए, इसी में से आपका मिल जाएगा एयरफोर्स के लिए, ठीक है दोस्तों। चलो, अब समय की देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना। ये फर्स्ट है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यह है अरावत पर्वतमाला। कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी में है? ठीक है, या पानी है, कितने प्रतिशत पर है? तो 71% पर है धरती के तल पर पानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? यह लगती है बांग्लादेश से, ठीक है, किससे लगती है? बांग्लादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यह है बृहस्पति, ठीक है, कौन सा है? बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैस सिलेंडरों से लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध का युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? ठीक है, तो इसमें मिलाया जाता है क्या? इथाइल मारकैप्टेन। क्या मिलाया जाता है? इथाइल मारकैप्टेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? इसका है नाइट्रोजन का, ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक है नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोणार्क का मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? यह है उड़ीसा में, किसमें है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? ठीक है, पाकिस्तान से। और किसके शासनकाल में हुआ था? यह हुआ था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर भाषा में WW, ये कई बार फुल फॉर्म्स पूछी है कंप्यूटर की, मैंने एक फुल फॉर्म्स का स्पेशल पार्ट दे दिया है तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, वो वहाँ पर आप देख लें फुल फॉर्म से। और कई बार एयरफोर्स और नेवी में ही पूछी गई हैं ये, कोई इसकी WW की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेव। क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट में कितनी वाट होती हैं? ठीक है, तो 1024 वाट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने से भगत सिंह का साथी कौन था? ठीक है, जो बम फेंका था वो था वटकेश्वर दत्तन। ठीक है, भगत सिंह ने असेंबली में बम नहीं फेंका था, इस बात को थोड़ा आप याद रखिए, जो वटकेश्वर दत्त थे इन्होंने फेंके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। कब की थी? 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, किसने किया था? एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को
अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार मिला है, ठीक है, तो यह मिला है अमर्त्य सेन को, ठीक है, नोबल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टेशनर ने की थी। किसने की थी? लैंड स्टेशनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। कौन सा है? बॉक्साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? यह था स्पुतनिक प्रथम या पहले नंबर का, ठीक, स्पुतनिक वन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनमो को, ठीक है, डायनमो है इससे मतलब, आप डायनमो का मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जनरेटर होता है अपने यहाँ शादी विवाह में यूज होता है, उसको जब तेल डाल के डीजल डाल के चलाया जाता है तो उससे लाइट प्राप्त होती है, ठीक है, जो हम उसको घुमाते हैं तो वह यांत्रिक ऊर्जा हो जाती है, ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा को जब विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, ठीक है, वह है डायनमो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? ठीक है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम की फुल फॉर्म पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? ठीक है, ये पता ही है आपको, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम, ठीक है, पृथ्वी के अंदर कौन सी है? एल्यूमिनियम, ठीक है, जमीन के अंदर एल्यूमिनियम ज़्यादा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को सांध्य तारा कहा जाता है? ठीक है, शुक्र को सांध्य तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? ठीक है, लगता है कितना है? 4 मिनट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है यह जिप्सम से बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? यह लेती हैं गलफड़ों की सहायता से। और एक प्रश्न आप भी बताएं कि मनुष्य किसकी सहायता से सांस लेता है? यह कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दें। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है या निकाली जाती है? तो यह है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, जब अपकेंद्रीय बल लगाया जाता है तब दूध से क्रीम निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन है 337 नंबर का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अधिकतर बैंकों के मुख्यालय मुंबई मिलेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफर खान को। किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफर खान को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास। ठीक है, जो काली मिट्टी है तो वह कपास के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में आती है, ठीक है, फायदेमंद है कपास के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? नादिर शाह। कौन ले गया था? नादिर शाह। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्निंग ने नवंबर 1858 में आयुध दरबार भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? इलाहाबाद में आयुध दरबार में, ठीक है, क्या की थी? क्राउन की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
व्लाड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? हैदराबाद के निजाम ने। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? यह है गोंड। ठीक है, कौन सी है? गोंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े थे की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ने। ऊधम सिंह ने ब्रिटेन में जाकर जनरल डायर की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? अब 24 नहीं दोस्तों, अब 25 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 25। अभी तक 24 थे, लेकिन अब वर्तमान में 25 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला दोस्तों, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जी बी मावलंकर। आप याद रखिएगा, ये पूछा है कि पूर्व में कितने, तो 24 कर सकते हैं आप। अगर वर्तमान में पूछ रहा है तो 25 यानी कि 25 हैं। अगला प्रश्न है, भारत प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, ये थे जी बी मावलंकर। ठीक, कौन थे? जी बी मावलंकर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश से। जो आंध्र प्रदेश है, इसका जो नृत्य है कुचिपुड़ी है। ठीक है दोस्तों, कई सारे हैं लेकिन यहाँ पर कुचिपुड़ी है, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? केरल से। किससे संबंधित है? केरल से। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से मानी जाती है? तमिलनाडु। ठीक है, जो भारतनाट्य शैली है तमिलनाडु राज्य की है। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। एक प्रश्न आप भी बताएं चलते चलते कि कथक किस राज्य का नृत्य है। ठीक है दोस्तों, कथक किस राज्य से संबंधित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने सभी दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। आपको मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतीय सेना।